मौलाना बलोच का कहना था कि कोस्ट गार्ड फ्यूल के बजाय मंशियात व दहशतगर्दी की कार्रवाई को रोक दे। मौलाना बलोच का कहना था कि कुंटानी हुर में हफ्तावार कमाई कितनी है, जल्द डीसी ग्वादर से मुलाकात करके मालूम करूंगा। कुंटानी हुर को एक दफा फिर बंद कर दिया गया, इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। मीर जिया की क्यादत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इस्तीफा देकर हक दो तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। मौलाना बलोच ने नौजवानों को खुश आमदीद कहा, हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी अ प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। तो आप भी आज ही एमसीबी इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। एमसीबी इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच गुज़िश्ता रोज कुंटानी हूर में कारोबार करने वाले नौजवान की फरियाद पर कुंटानी हूर पहुंच गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट पर कोस्ट गार्ड व लेवी जिम्मेदारान के साथ बैठक लगा दी। मौलाना बलोच ने डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता भी करके तहवील शुदा स्पीड बोट समेत लाखों रुपए के डीजल को वापस करने का मुतालबा कर दिया। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच का कोस्ट गार्ड जिम्मेदारान व लेवीज अहलकारों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गुज़िश्ता रोज ईसा नामी नौजवान की कॉल मौसूल हुई, जिसका शनाख्ती कार्ड का मायार खत्म होने के बाद उनकी कश्ती को लाखों रुपए के डीजल समेत पकड़कर तहवील में ले लिया। मौलाना बलोच का कहना था कि शनाख्ती कार्ड के मायार खत्म होने पर इतनी बड़ी सजा देना सरासर गलत अमल है। कोस्ट गार्ड वालों पर वाजे कर दिया गया है कि गरीब मजदूरों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और घर के जेवरात बेचकर कुंटानी हुर में कारोबार शुरू किया, दूसरा मुतबादल कोई कारोबार नहीं है। धरने के बाद काफी बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। ईसा नामी मजदूर की बोट और डीजल पकड़ने के बाद सिर्फ कश्ती को छोड़ दिया और लाखों रुपए की फ्यूल जब्त कर लिए। मौलाना बलोच का कहना था कि कोस्ट गार्ड फ्यूल के बजाय मंशियात व दहशतगर्दी की कार्रवाई को रोक दे। मौलाना बलोच का कहना था कि कुंटानी हुर में हफ्तावार कमाई कितनी है, जल्द डीसी ग्वादर से मुलाकात करके मालूम करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर पसनी मोहम्मद जान बलोच की हिदायत पर लेवीज फोर्स की गश्ती टीम का पसनी के मेन बाजार का दौरा। दफेदार हुसैन बलोच की सरबराही में लेवीज फोर्स की गश्ती टीम ने सरकारी नर्ख नामा और दुकानदारों से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें मालूम की। इस दौरान पसनी मेन बाजार में सफाई का भी जायजा लिया गया। दुकानदारों को खास तौर पर सरकारी नर्ख नामे की पाबंदी और सफाई जारी रखने की सख्ती से ताकीद की गयी। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कप्पर नलैंड के दौरे पर पहुंच गए। दौरे के दौरान नौजवानों ने मीर जिया की क्यादत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इस्तीफा देकर हक दो तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। मौलाना बलोच ने नौजवानों को खुश आमदीद कहा और अपना वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। एक्सियन केस को ग्वादर डिवीजन इंजीनियर अमीर अली बुकटी ने अपना वादा वफा कर दिया। पिशोकान के लिए खंबे पहुंच गए। पिशोकान के 8 खंबे एक हफ्ता कबल गिर गए थे, जिसके लिए चेयरमैन पिशोकान मीर अरशद कलमती और दीगर ने मुलाकात करके बिजली बहाली का मुतालबा किया था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी कॉल पर वट के मखदूश सूरतेहाल की वजह से बलूचिस्तान भर की तरह और माड़ा में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। दुकानें, बाजारें और दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। शटर डाउन हड़ताल के दौरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और माड़ा के तमाम अहदेदारान व अराकीन का अंजुमन ताजरान के अरकान के हमरा और माड़ा बाजार में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया।
सरदार अख्तर जान मिंगल की आबाई इलाके वट के मखदूश सूरत हाल की वजह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी कॉल पर बलूचिस्तान भर की तरह जिले ग्वादर में जुज़्वी शटर डाउन हड़ताल रहा है। शटर डाउन हड़ताल की वजह से शहर की दुकानें, बाजार और दीगर कारोबारी मराकज, मालियाती इदारे बंद रहे। ग्वादर शहर और पसनी में जुज़्वी हड़ताल रही। जुम्मे के बावजूद दुकानें खुली रही। जुम्मे के रोज शटर डाउन हड़ताल करने पर बीएनपी ने ताजरान और दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया। पाक ईरान बॉर्डर के दरमियान रोबार के रिहायशी अल्लाह बख्श खुले समंदर में गिरकर लापता हो गया। नाखुदा अल्लाह बख्श की नाश अभी तक ना मिल सकी। नाश की तलाश जारी है। कुंटानी हूर को एक दफा फिर बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक अल्लाह बख्श नामी नाखुदा समंदर में गिरने की वजह से कुंटानी हूर को बंद कर दिया गया है, ताकि तलाशी में कोई रुकावट ना हो। कुंटानी हूर नाश मिलने तक बंद रहेगा। शहदाय जीवनी चौक तक मुल्ला फाजल चौक रोड मुतासरीन मालिकान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रोड मुतासरीन मालिक मालिकानात ने शिरकत की। इजलास में जिला इंतजामिया की जानिब से मुआवजे की अजराई नोटिस समेत दीगर मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में जिले इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा मुआवजे की रकम को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। इजलास में मालिक मकानात रोड मुतासरीन ने जिले इंतजामिया और GDA की जानिब से अब तक उनके मामलात, खदशात व तहफुजात को हल ना कराने और उनके साथ दोहरे मायार इख्तियार करने पर अपनी तश्वीश का भी इजहार किया गया। महकमा अपाशी सब डिवीजन पसनी के जारी करदा ऐलामिये के मुताबिक शादी कोर के इलाके कबड़ी में शादी कोर डैम से पसनी शहर तक पानी सप्लाई करने वाली चैनल नंबर 7 में दरार पड़ गई है, जिसकी मुरम्मत के लिए हफ्ते के रोज काम का आगाज किया जाएगा। ऐलामिये के मुताबिक मुरम्मती काम के सिलसिले में पसनी शहर को पानी की सप्लाई 8 से 10 दिन तक मुअत्तल रहेगी। मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। और रोबार खरगोशी बाजार में मासूम परिंदों का शिकार जारी है। महकमा जंगली हयात की नाक के नीचे गैरकानूनी शिकार जारी। रोबार में नामालूम शिकारी की तीर से जंगली कबूतर जख्मी हालत में पाया गया। कबूतर के घोंसले में उनके बच्चे खुराक के मुंतजर रहे। वाज़े रहे कि मार्च से सितंबर तक ज्यादातर परिंदों और जानवरों का ब्रीडिंग सीजन होता है। इस सीजन में परिंदों के कानूनी शिकार पर भी पाबंदी आयद है। ब्रीडिंग सीजन में मुख्तलिफ परिंदों का शिकार करने का इकदाम ना सिर्फ जुल्म है, बल्कि उससे परिंदों की मादूमी के खदशात बढ़ रहे हैं।